हेलो एवरीवन, तो ये नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं अभी, एसेंशियल सोशियोलॉजी जो बुक है उसका चैप्टर 14। उसमें हम लोग देखेंगे एंड्रे बिटेल का पर्सपेक्टिव क्या था कास्ट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ दीपांकर गुप्ता जी का भी जो था वो भी देखेंगे। इसमें अब मैं न्यू चीज़ ऐड कर रही हूँ, इसमें बुक तो है ही, साथ ही साथ चैट जीपीटी का यूज़ करके वहाँ से पॉइंट निकाला है और इसको डाला है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले एंड्रे बिटेल का पर्सपेक्टिव क्या था कास्ट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो पहले तो वो डिफ़र किए थे, जो डोमेंट अपना व्यू दिए थे उसे डिफ़र किए थे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अबाउट पहले जान रहे हैं इनके बारे में। फिर जो ये अडॉप्ट किए थे इंट्रैक्शनल अप्रोच, ठीक है, इंट्रैक्शनल अप्रोच जाके इंट्रैक्शन किए थे, उसके बाद फिर जो इनको समझ में आया था फिर वो आइडिया दिए थे। इनका ये इम्पेरिकल स्टडी किए हैं कौन से भाई, तो विलेज श्रीपुरा है जो कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसी विलेज के ऊपर एक बुक भी लिखे हैं यहाँ पे भी, मतलब बुक। तो बुक का नाम क्या था, कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज 1965, ठीक है। फिर जो है ये अडॉप्ट किए हैं ट्रिनिटेरियन अप्रोच ऑफ वेवर, वेवर का जो ट्रिनिटेरियन अप्रोच था उसको अडॉप्ट किए थे, ठीक है। और फिर ये एसी मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग इनका कहना है कि वन शुड ऑलवेज स्टडी करना चाहिए, मतलब एक इंसान को जो है हमेशा क्या क्या पढ़ना चाहिए, अगर आपको कास्ट को पढ़ना है तो उसके साथ साथ कास्ट के साथ साथ आपको किनसी भी पढ़ना चाहिए, क्लास भी पढ़ना चाहिए और पावर भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू हिम और क्या कहें हैं कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट जैसे कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन जो है, बहुत सारे अदर थिंकर हैं जो वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, हम लोग क्लियर पिक्चर नहीं देख पाते, तो ऐसा इनका कहना है, ठीक है, एंड्रे बिटेल का। अब चैट जीपीटी से कहाँ क्या क्या पॉइंट आया है, तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिटिकल एनालिसिस। तो एंड्रे बिटेल जी ने क्रिटिकल एनालिसिस किया है कास्ट सिस्टम को इंडिया के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि कास्ट सिस्टम जो है ना परसिस्ट किया है फॉर सेंचुरीज, मतलब पुराने टाइम से अगर आप देखो, ठीक है, तो बहुत ओल्ड टाइम से कास्ट सिस्टम जो है ना सेंचुरीज से जो है ना परसिस्ट कर रहा है इंडिया में। और ये जो है कास्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस करता है, तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ जो इंडिया में उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनइक्विलिटी डिस्क्रिमिनेशन। तो एंड्रे बिटेल जी कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है इंक्रीज किया है क्या इनइक्विलिटी और डिस्क्रिमिनेशन को, प्लस यहाँ पे हायरार्की, इसका मतलब प्लस हायरार्की जो नेचर है कास्ट सिस्टम का, उसके वजह से जो है ना सोशल मोबिलिटी नहीं हो पाता। जैसे कि हायरार्की नेचर क्या है, जैसे कि ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, तो ऐसे जो हायरार्की बना हुआ है कि ऊपर ब्राह्मण ही होगा, फिर क्षत्रिय से होगा, वैश्य से होगा, तो उससे क्या कह रहे हैं कि इससे ना सोशल मोबिलिटी नहीं रह जाता है, ठीक है, कास्ट में। फिर उन्होंने क्या कहा है कि मॉडर्न चैलेंजेस जो है कास्ट में क्या क्या है, तो इंडिया के पास जो है ना पॉलिसीज बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आज मॉडर्न टाइम्स में भी अभी भी जो है जो कास्ट है ना वो एक चैलेंज की तरह सामने में आ रहा है। मतलब कि दो इंडिया के पास पॉलिसीज बहुत अच्छा है, पर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से काफ़ी चैलेंजेस आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ कास्ट, मतलब अगर हम कास्ट को ना, मतलब इंटरसेक्शनैलिटी से कहना है कि हम कास्ट को जो है ना क्लास और जेंडर के साथ अगर जोड़ें, ठीक है, तो ये ना एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सोशल डायनेमिक्स बना देता है और इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट ग्रुप इन कास्ट, ठीक है। अगर हम कास्ट को किससे करें, कास्ट विथ क्लास एंड जेंडर, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सोशल डायनेमिक्स बना रहा है और ये इन्फ्लुएंस होता है डिफरेंट ग्रुप इन कास्ट है ना, जैसे कि अलग अलग ग्रुप जो कास्ट हैं तो ये इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। रोल ऑफ एजुकेशन पे इन्होंने कहा, एंड्रे बिटेल जी ने कहा है कि अगर एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करेंगे तो सोशल अवेयरनेस आएगा और फिर सोशल चेंज आएगा और फिर जो जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं जिसको इन्होंने क्या सो कॉल्ड ड्राविडियंस, ठीक है, आदि ड्राविडियंस, तो वो लोग फिर ना ऊपर आ जाएंगे, ऐसे इनका कहना था, ठीक है। इतना तो चैट जीपीटी कहा था, अब बुक व्यू, बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं, ठीक है। तो बुक व्यू है कि न्यू क्लास स्ट्रक्चर फ्रॉम लैंड होल्डिंग पैटर्न एंड न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन आ गया है, ठीक है, मतलब न्यू क्लास स्ट्रक्चर बोलना चाह रहे हैं एंड्रे बिटेल जी कि नया क्लास स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है। और क्लास स्ट्रक्चर कहाँ से है, तो लैंड होल्डिंग पैटर्न और न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, मतलब लोगों का अब अलग अलग ऑक्यूपेशन हो गया है, ठीक है। कुछ पहले जिसके पास कम लैंड था, अब उसके पास ज़्यादा लैंड हो गया, तो इससे क्या हो रहा है कि नया क्लास स्ट्रक्चर बन जा रहा है कास्ट में ही, ठीक है।
उसके बाद फिर किनसिप आता है, तो अकॉर्डिंग टू हिम उनका कहना है कि जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है किनसिप किस में, ऑक्यूपेशन को चूज़ करने में, यानी कि क्या, जैसे कि होता है ना कि जो एक्टर हैं, ठीक है, एक्टर्स वगैरह हैं, तो उनका बेटा भी अक्सर जो एक्टर्स ही बनता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, किनसिप का यहाँ पर रोल दिख रहा है ना कि जो पापा कर रहे हैं पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वही बच्चे भी कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, सिनेमा इंडस्ट्री, ठीक है। तो इससे ये जो है ना एंड्री बिटल जी फोकस किए हैं स्ट्रेटिफिकेशन इन जनरल, मतलब स्पेसिफिकली कास्ट का नहीं देखे हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर कास्ट का क्या ऑक्यूपेशन में रोल है, ये इन जनरल देखे हैं कि लोग जो है किनसिप के बेसिस पे ऑक्यूपेशन चूज करते हैं। श्रीपुरम स्टडी में इनको क्या पता, इन्होंने क्या कहा है कि नॉट ओनली ब्राह्मिन्स बट ऑल्सो आदि द्राविडियंस, जिसको हम लोग सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी मेंटेन किए हैं डिस्टेंस फ्रॉम अदर कास्ट, मतलब कि जो आदि ड्राविडियंस है वो लोग भी नहीं चाहते थे कि वो लोग मिक्स हों किससे, तो ब्राह्मण से, ठीक है, वो लोग भी नहीं चाहते थे। तो ये कहा गया है। फिर इसी से ये पता चलता है कि ये रिजेक्ट करते हैं गोरे डोमेंट और अदर का जो प्रस्पेक्टिव था उसको सरासर रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कास्ट के ऊपर जो भी था। फिर इन्होंने कहा है कि लोअर कास्ट जो है उनको इतना इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो संस्कृताइजेशन करें, ठीक है, तो लोअर कास्ट का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो संस्कृताइजेशन करे। संस्कृताइजेशन आपको पता ही है क्या होता है, कि अपने सोशल मोबिलिटी करना, ठीक है, और सब कास्ट में भी अनइक्वल रिलेशन है, इनको ये पता चलता है श्रीपुरा के स्टडी में। फॉर एग्जांपल जैसे ब्राह्मण कास्ट है, ठीक है, तो उसमें भी देखा जाता है कि जो ब्राह्मण के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो उस सब ग्रुप में भी लोग जो है ना उनका इक्वल रिलेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा इनको देखने को मिला। फिर बुक में लिखा है जो एंड्री बिटल जी कास्ट के ऊपर बोले हैं, तो क्या भाई एजुकेशन से रिलेटेड क्या बोले हैं कि एजुकेशन अगर इंक्रीज करेगा तो द्राविडियन लोग वाइट कॉलर जॉब में चल जाएंगे, ठीक है, जो मतलब अच्छा जॉब है, ठीक है, और उससे क्या होगा उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स और अच्छा होगा, ठीक है, गुड होगा। उसके बाद फिर क्या है, कास्ट डायमेंशन देखा जाए, तो कास्ट डायमेंशन मतलब बोलना चाह रहे हैं कि कास्ट डायमेंशन अभी भी रिमेन करता है इंडिया में, ठीक है, और ओनली सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन आया है इंडिया में, ठीक है, मतलब पूरा पूरी मॉडर्नाइजेशन नहीं आया है इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन आया है, और सेम चीज़ जो योगेंद्र सिंह एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अब अगर आपको क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा तो बुक में तो इतना क्रिटिसिज्म दिया नहीं है और मुझे और भी जगह नहीं मिला, तो जो बुक में दिया है जैसे कि डायनेमिज्म ऑफ कास्ट ओनली थ्रू थ्री हायरार्कीज, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि जो एंड्री बिटल जी हैं वो ना कास्ट का डायनेमिज्म जो है सिर्फ थ्री हायरार्कीज के बेसिस पे देख लिए और कह दिए। और फिर कहा गया है कि नैरो इंपीरिज्म था, मतलब कि बस इन्होंने जो है श्रीपुरम का जो है विलेज जो था श्रीपुरम विलेज उसका स्टडी किया, और एक सिंगल विलेज को स्टडी करने के बाद एक बहुत बड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दिया कास्ट के ऊपर कि ये होता है ये होता है ये होता है। तो कहा जाता है कि काफ़ी नैरो इंपीरिज्म था इनका, ठीक है। अगर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे एग्ज़ाम में, तो लिखोगे कि फर्स्ट मेजर स्कॉलर थे जो डायनेमिज्म लेके आए थे स्टैटिक कॉन्सेप्ट कास्ट के अंदर, ठीक है, और प्रेजेंट किए थे मल्टीपल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडियन विलेज के अंदर होता है, तो वो प्रेजेंट करने का कोशिश किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्री बिटल जी का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आता है दीपांकर गुप्ता। दीपांकर गुप्ता के बारे में जानते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या था कास्ट सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले अबाउट देखेंगे, ठीक है, अबाउट, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो इनका था, कॉन्सेप्ट जो भी इनका था, तो ये डिफरेंसेस एंड मल्टीपल हायरार्कीज के ऊपर था। जो भी कॉन्सेप्ट दिए थे वो क्या देख रहे थे, कास्ट के अंदर क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, और कास्ट के अंदर जो मल्टीपल हायरार्कीज है उसको देखने का कोशिश किए थे। अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने कहा है कि इट इज़ रॉन्ग टू से सिंगल ऑल इंक्लूसिव, यहाँ पे हायरार्की लिखा गया, हायरार्की होगा ऑल इंक्लूसिव हायरार्की बेस्ड ऑन प्योरिटी। एक्चुअली मतलब मैं बोल के लिखती हूँ ना, टाइप नहीं करती, मैं बोलती हूँ लिखाते हैं, तो यहाँ पे हायरार्की बोली होंगी तो ये हायरार्की समझ लिया, और ऑल इंक्लूसिव हायरार्की बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन इज कोर डिफाइनिंग फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। मतलब कि ये गलत होगा बोलना कि जो जितना भी हायरार्की है वो सिर्फ पोल्यूशन और प्योरिटी पे बेस्ड है, ठीक है, और सिर्फ यही इसका जो है फीचर है कास्ट सिस्टम का, पोल्यूशन और प्योरिटी, ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा था। और फिर इन्होंने कहा था कि ब्राह्मण हमेशा टॉप पे नहीं रहे, इनका ये कहना था, ठीक है, इनका कहना था, दीपांकर गुप्ता जी का कहना था, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू मी, आप इसको इस सेंटेंस को इंट्रो की तरह भी यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी, कि कास्ट एग्जिस्ट फर्स्ट करता था एज डिस्क्रीट कैटेगरी, हायरार्की जो है बाद में है, मतलब पहले ना सिर्फ कास्ट एग्जिस्ट करता था, ठीक है, हायरार्की तो बाद में है, मतलब कि जैसे ब्राह्मण ऊपर है क्षत्रिय नीचे, तो ये तो बाद में है, सबसे पहले तो कास्ट है, ठीक है।
अब चैट जीपीटी क्या बताता है इनके बारे में, ठीक है, तो बुक में तो उतने अच्छे से नहीं दिया है, तो चैट जीपीटी से हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल रूट देखा जाए, तो इन्होंने ना हिस्टोरिकल रूट को देखने का कोशिश किया है। इन्होंने कहा है कि कास्ट जो ओरिजिनेट किया है, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से, हमको जो है कास्ट कहाँ से पता चलता है, कहाँ से ओरिजिनेट किया है, तो भाई एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में पता चलता है कि उस टाइम से जो ओरिजिनेट किया है, और कास्ट जो है टाइम टू टाइम इवॉल्व किया है, ठीक है, ये लिख देना फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, तो सोशल इनइक्वलिटी, मतलब दीपांकर गुप्ता जी कहते हैं कि नो सोशल मोबिलिटी होता है कास्ट में, कास्ट में फिक्स ऑक्यूपेशन रहता है, कास्ट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मार्जिनलाइजेशन होता है, तो इस वजह से ये कहना चाह रहे हैं कि कास्ट में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वलिटी होता है, ठीक है। फिर इनका कहना है कि रोल इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो कास्ट का क्या रोल है अभी के टाइम पे इंडिया में, तो करेंटली कास्ट जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया के पॉलिटिक्स को, आपको देखता है आपको देखने को मिलेगा कि कास्ट वोट बैंक होता है, कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं, एजुकेशन को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे कि रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो कास्ट है उसके वजह से इन्फ्लुएंस हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ एंड ऑल ये सब हुआ। फिर इस एक पॉजिटिव हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसको कहेंगे, तो क्या है ये भी एक रोल प्ले कर रहा है ना कंटेम्प्रेरी इंडिया में, तो वो हो गया। कास्ट इन पॉलिटिक्स तो सिंपल है भाई, कास्ट वोट बैंक होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी तो पर्टिकुलर कास्ट पे ही बने हुए हैं, ठीक है। फिर चैलेंजेस टू कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, ठीक है, दीपांकर गुप्ता जी ने नेक्स्ट कहा है, सजेस्ट किया है कि सोसाइटी बेस्ड ऑन मेरिट एंड इक्वलिटी होना चाहिए रैदर देन कास्ट हायरार्की, ठीक है। तो अगर हम कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी रखेंगे तो उससे बहुत सारा चैलेंजेस आएगा, ठीक है, और आपको अगर हम लोगों को इस चैलेंजेस से बचना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरिट एंड इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी को रखना पड़ेगा, ठीक है, रैदर देन कास्ट बेस्ड हायरार्की, ठीक है। उसके बाद फिर सोशल रिफॉर्म देखा जाए, तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको जो है कास्ट में कुछ सोशल रिफॉर्म कर रहा है तो आपको और अच्छा अच्छा पॉलिसीज लाना पड़ेगा। तो दीपांकर गुप्ता जी एडवोकेट करते हैं कि भाई और अच्छा पॉलिसीज लाओ जिससे कि जो है ना सोशल रिफॉर्म है कास्ट में, ठीक है। अब बुक में क्या लिखा है इनके बारे में, बुक में तो बहुत छोटा सा लिखा है, फिर भी देखते हैं क्या लिखा है, कि जो इम्पॉर्टेंट है मुझे लग रहा है कि बहुत मतलब अलग है, यूनिक है, जो लिखना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो मैं लिखी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बुक व्यू में क्या है कि ईच कास्ट का अपना ट्रेडिशन है, कस्टम है, आइडियोलॉजीज है, देयरफॉर कोई कास्ट सुपीरियर है ना ही कोई इन्फीरियर है, ना ही कोई कास्ट सुपीरियर आपको देखने को मिलेगा ना ही इन्फीरियर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा इनका कहना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हर कास्ट यूनिक है, उनका अपना यूनिक कल्चर है, कस्टम है, आइडियोलॉजीज है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कास्ट होगा, नो कास्ट एक्सेप्ट करता है कि वो डिग्रेडेड है, ऐसा कहते हैं दीपांकर गुप्ता, बताते हैं कि कोई भी कास्ट जो है अपने आप को डिग्रेडेड नहीं मान रहा है, ठीक है, क्यों, उनका कहना है कि जो अगर कोई कास्ट को देखते भी हैं तो एक पर्टिकुलर कास्ट अपने से भी नीचे किसी दूसरे कास्ट को मानता है, ठीक है। उसके बाद फिर रॉबर्ट डीजी कहते हैं कि कलेक्ट किए हैं मेनी सच ओरिजिनल टेल्स, मतलब ये जो मैंने बोला ना कि जो है लोग मानते हैं कि कोई कास्ट जो है क्या डिग्रेडेड नहीं है, जिस कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है, तो वही रॉबर्ट डीजी कहते हैं कि मिनी ओरिजिनल टेल्स वो बताते हैं कि उनको मिला है जहाँ पे अनटचेबल जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है, वो विच सस्टेन इट बाय मेड इट द पॉइंट मेड बाय दीपांकर, मतलब दीपांकर को तो जो बोले ना कि कोई कास्ट अपने आपको डिग्रेडेड नहीं मानते हैं, ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट डीजी कि कोई वो जो अपना बहुत सारे जगह पे गए हैं, ठीक है, तो उनसे बहुत सारा अपना कहानियाँ सुनाते हैं कि हाँ सही, ये बात सही है कि कोई कास्ट जो अपने आप को डिग्रेडेड नहीं मानते हैं, रैदर देन वो लोग सोचते हैं कि उनसे भी कोई डिग्रेडेड है, मतलब कि उनसे भी कोई नीचे है, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। अगर आपको कंक्लूजन क्रिटिसिज्म तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, बुक में और कहीं मिला भी नहीं है, तो अगर आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे कि दीपांकर गुप्ता का पर्सपेक्टिव जो है जस्ट एज ऑफ मेनी विद इन द फील्ड, मतलब इनका भी जो है बहुत सारे लोग कास्ट के ऊपर बोले, लेकिन ये भी उनमें से एक थे जिन्होंने अपना ओपिनियन दिया, ठीक है, सोशोलॉजी में और कास्ट में, ठीक है, जो इंडिया में हो रहा था। अदर स्कॉलर्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इसलिए हम लोग को और भी रिसर्च करना चाहिए और पता करना चाहिए। तो यहीं पे हम लोग का वीडियो होता है कंप्लीट, यहाँ पे चैप्टर 14 का। नेक्स्ट वीडियो आप जब बोलोगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगी
फिर आप जो है ना बस लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो, बस हो गया, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए।